आप लोगों ने देख ही ली होगी कभी मैं कभी तुम के लेटेस्ट एपिसोड जो कि बहुत ही अमेजिंग रही है, बहुत मजा आया है देख के। जी हाँ, तो देखा है आपने किस तरह से शर्जीना को मनाया है मुस्तफा ने, और ये दोनों एक दूसरे के बगैर हक नहीं रह सकते। जो भी इनकी गलत फहमियां थी वो सब दूर हो चुकी हैं। जी हाँ, तो मुस्तफा ले आया था शर्जीना को घर, और यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से जो हमारी रुबाब है वो अपने शौहर के साथ मतलब बिहेव करती हैं। यहाँ पे होता वैसे यही है, रियलिटी भी यही है, जो आपकी बॉस होगी या फिर बहुत ज्यादा अमीर होगी या फिर कोई नेशनैलिटी होल्डर होगी, उसके लिए तो सब ही ऐसे करके बिछ जाएंगे। जी हाँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अदील ने अपनी इज्जत गंवा दी है अपनी बीवी की खिदमतें कर करके। जी हाँ, तो यहाँ पे आपने अदील को देखा ही होगा कि किस तरह से अपनी बीवी के आगे पीछे घूमता है, उसकी इज्जत करता है, जैसे वो कहती है वैसे वैसे वो करता जाता है। और यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि अदील की माँ भी कितनी रुबाब की इज्जत कर रही है, उसके आगे आगे झुक रही है, उसके पसंद के खाने बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, तो फिर ऐसे तो होगा ही, जब आप इतनी मालदार औरत अपने घर लेके आएंगे और उसी के बेस पे आपका पूरा घर चल रहा है, तो यकीनन वो आपकी किसी तरह से इज्जत करेंगे। बाहर यहाँ पे ये चीज दिखाई गई है कि किस तरह से बेटा जो है वो अपनी बीवी की खिदमतें कर रहा है, जिसपे बाप मुंह पूरा मान जाता है कि ये क्या मेरा बेटा क्या नौकर है, क्या इस समय शौहर को नौकर समझ रखा है कि कभी वो जूते ला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, तो अगर बीवी काम करती रहे अपने शौहर का तो वो नेक परवीन बन जाती है ससुराल वालों के सामने, लेकिन जैसे ही अगर उनका बेटा अपनी बीवी के लिए कोई काम काज करता है तो वो उसको नौकर डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? बारे वो अमीर खानदान से या गरीब खानदान से, जिस भी खानदान से अगर मियां बीवी एक दूसरे का काम कर ले, उसमें कोई भी किसी किस्म का हर्ज नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे पाकिस्तानियों ने और हमारे हिंदुस्तान ने इसी तरह से बना लिया है, लाइक मर्द कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ औरत ही काम करेगी, और औरत शादी करती ही इसलिए, फिर उससे जॉब भी ना करवाओ, तुम उससे काम भी ना करवाओ। दूसरी यहाँ पे जो चीज मुझे एक गलत लगी है वो ये है कि जिस तरह से सास परे शर्जीना को कहती थी कि तुम्हारी यहाँ कमाई नहीं चलेगी, हम बहुओं का नहीं खा सकते हैं, तो यहाँ पर बेगम साहिबा जो है हमारी जो यहाँ पे सास जो है वो बड़े मजे से रुबाब के पैसे तो उड़ाती फिर रही है और बहुत खुश हो रही है, सबके वाली जा रही है कि रुबाब ये सारा खर्चा कर रही है। लाइक दैट बाहर यहाँ पर काफी लालची किस्म की भी दिखाई गई, लेकिन थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड भी करे हर चीज को ये अदील की माँ। तो बहर यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है लेटेस्ट, जो वो मजेदार सीन लगा है वो ये कि दोनों भाई आपस में झड़प पड़े हैं। ये तो मजेदार लगेगा ही लगेगा, आवाम को, आवाम तो बड़ी खुशी हो गई होगी ये सीन देख के, और यकीन इसके व्यूज भी बड़े आ रहे होंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से ये दोनों भाई आपस में लड़ पड़े हैं, और बाप जो है वो अपने दिल को पकड़ के बैठ गया है कि हो क्या रहा है, आखिरकार मेरे बेटे किस तरह से लड़ क्यों रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने इस लड़ाई में एक चीज देखी होगी, एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे शर्जीना जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है वो किस तरह से इंग्लिश भी बोल रही थी और टैट 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 करके बोली जा रही थी, लेकिन जो अमीर है रुबाब है वो जो है बड़े सलीके से बात कर रही थी और फुल इंग्लिश उनके साथ बोल रही थी, यानी पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखने वाले अमीरजादे लग रही थी कि कितनी तहजीब के दायरे में रह के। पर ये चीज इन्होंने इस यहाँ पे दिखाई है कि जो मिडिल क्लास है वो इस तरह से बोलेंगे और जो अपर क्लास के वो इस तरह से बोलेंगे। और यहाँ पर नजर पर हक है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख ही लिया होगा कि अदील किस तरह से शर्जीना और हमारे मुस्तफा को देख रहे होते हैं कि किसने ये खुश है, इतने कम में भी ये बहुत ज्यादा खुश है आपस में कैसे। हमें दिखाया ये जाएगा कि अब मुस्तफा जो है फुल स्टैंड ले रहा है अपनी बीवी के लिए और सबसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जो है मुस्तफा को समझाने वाले हैं उसके फादर, वो कहेंगे कि तुम छोटे हो, तुम माफी मांग लो, इसमें कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उसको समझाएंगे और तुम मेरी बात मानोगे, वो तो नादान है, लगता है इस तरह से समझाएंगे, तो शर्जीना और मुस्तफा दोनों समझ जाएंगे, लेकिन शर्जीना को फील होगा और वो रोएगी जरूर, जिसको देख लेगा हमारा मुस्तफा और कहेगा कि अब इस घर में हमारी कोई जगह नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारी जो सास जो रुबाब 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 करती रहती है,
रुबाब तो करेगी अब सीधा अपनी सास को, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है और ये घर जो है अब सास से नहीं बल्कि रुबाब से चलता है। तो जी हाँ, बड़ा मजा आने वाला है आगे भी, और किस तरह से स्ट्रगल करेंगे यहाँ पे मुस्तफा और शर्जीना, बहुत ही अमेजिंग और मजे की इसकी मजीद स्टोरी होने वाली है, तो मिस मत करिएगा। जी हाँ, तो देखते रहिए कभी खुशी, और सॉरी कभी खुशी कभी गम कह रही, देखते रहिएगा कभी मैं कभी तुम। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक पे क्लिक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।